एमएलसी चुनाव में जीत की तैयारियों में जुटी बीजेपी, मदरसों के शिक्षकों का सहयोग मांगने की तैयारी, सीबीएसई बोर्ड के शिक्षक भी इस मार्च चुनाव में करेंगे मतदान। G20 शिखर सम्मेलन में आयोजन पर बोले मंत्री एके शर्मा, कहा सभी मेहमानों के स्वागत के लिए हम हैं तैयार, यूपी जी सिटी बनाने का भी हमने बनाया लक्ष्य। मुफ्त राशन योजना पर शिवपाल का बड़ा बयान, सरकार लोगों को बना रही भिखारी, हम रामकृष्ण के वंशज लंका जरूर चलाएंगे। कार्यकाल विस्तार के बाद पूर्वांचल दौरे पर जेपी नड्डा, थोड़ी देर में पहुंचेंगे काशी, कल सुबह 10 बजे करेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड पर हंगामा, बुर्का पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज में नहीं मिली एंट्री, नाराज छात्राओं ने किया प्रदर्शन, 27 अक्टूबर को लागू किया गया था ड्रेस कोड। सभा विधायक इरफान सोलंकी, अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जाजमा अग्निकांड मामले में इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज, कहा अभियुक्त प्रभावशाली है, गवाहों को कर सकता है प्रभावित। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, यूपी सरकार ने सुनवाई के दौरान किया जमानत का विरोध। मुलायम परिवार के आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज, बीजेपी के अखिलेश परिवार, कहा सैफई कुनबे की आलीशान कोठियों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। यूपी उत्तराखंड के कॉन्क्लेव में पहुंचे मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान, कहा पौवे से नहीं पावर से होगा काम। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 3 आईएएस अफसरों का तबादला, चंद्रभूषण सिंह अपर परिवहन आयुक्त बने। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।